हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है, जो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग की लेक्चर सीरीज़ का पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल आप सबको पता है क्या होता है। हम मैसेज भेजते हैं एक ईमेल के ऊपर और जो दूसरा इंटेंडेड रेसिपिएंट है उस ईमेल को वो रीड करता है। ऐसे ही वो जब मैसेज भेजता है या कोई ईमेल भेजता है तो हम उसे रीड करते हैं। बट एक्चुअल में ईमेल वर्क कैसे करता है वो आज हम देखेंगे एक डायग्राम की मदद से, कि ईमेल एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, कौन कौन से उसके अंदर एंटिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास होता है एक यूज़र एजेंट जिसको हम बोलते हैं UA शॉर्ट फॉर्म में। देन पहला स्टेप होता है एंड देन वी हैव दिस MTA क्लाइंट। MTA का मतलब होता है मैसेज ट्रांसफर एजेंट। मैसेज ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। उसके बाद मैसेज ट्रांसफर सर्वर। MTA है तो मैसेज ट्रांसफर एजेंट इसका सर्वर पार्ट। यहाँ पे होता है हमारे पास स्पूल। स्पूल एक तरह से बफर स्टोरेज एरिया होता है। देन वी हैव दिस MTA क्लाइंट अगेन। और ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये कहलाता है मेल सर्वर। तो एक मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर से कम्युनिकेशन करेगा एंड द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओवर इंटरनेट। देन अगेन ये भी मेल सर्वर है। अब जैसे यहां पे MTA क्लाइंट है तो यहां पे क्या होगा, MTA सर्वर। देन यहां पे हमारे पास ईमेल बॉक्सेस होते हैं और यहां पे होगा MAA सर्वर। MAA का मतलब होता है मैसेज एक्सेस एजेंट। और फाइनली यहां पे होता है मैसेज एक्सेस एजेंट का क्लाइंट और यहां पे यूजर एजेंट, या फिर जिसको हम बोलते हैं UA। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल का स्ट्रक्चर है। अब ये काम कैसे करता है वो एक बार देखते हैं। यूज़र एजेंट क्या होता है? यूज़र एजेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूज़र टू मेक प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल इजी। सो यूज़र एजेंट आर नथिंग बट दे प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूज़र, और इन सर्विसेज की मदद से एक यूज़र इजीली ईमेल को एक्सेस कर सकता है, भेज सकता है, रिसीव और सेंड और रिसीव करने का इजी कर देते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, रीड करना है, रिप्लाई करना है, कंपोज करना है, तो वो सब आप यूज़र एजेंट की मदद से करते हो। तो सपोज़ एक यूज़र को एक मेल भेजनी है, यहाँ से एक मेल भेजनी है यहाँ तक, तो क्या करेगा वो यूज़र? सबसे पहले अपने यूज़र एजेंट को एक्सेस करेगा, देन मेल को कंपोज करेगा और मेल को वो भेज देगा मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट क्लाइंट के पास। अब मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट होते हैं हमारे पास MTA, जो मैसेज को इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। सो वी हैव दिस मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। और मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट जो है वो हमेशा दो पेयर में काम करते हैं, क्लाइंट और सर्वर। तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ तक का पोर्शन, ये किसका पोर्शन है, यूज़र का या फिर क्लाइंट का? तो यहाँ पे मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट क्लाइंट होगा। तो मेल कंपोज की, मेल मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट क्लाइंट के पास आई, वो इसको भेज देगा मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट सर्वर के पास, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकंड स्टेप। यहाँ पे मेल ट्रांसफ़र हो गई सर्वर के पास। सर्वर के पास मेल स्पूल में रहेंगी, एक तरह से बफर स्टोरेज एरिया होता है ये। जैसे प्रिंट कमांड्स जब आप देते हो तो एक स्पूल क्रिएट होता है, ऐसे ही मेल्स के अंदर एक स्पूल क्रिएट होता है।
देन अगेन एक मैसेज ट्रांसफर एजेंट का क्लाइंट है जो यहाँ से यहाँ तक मेल को भेजेगा ओवर इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मेल को भेज देगा वो इंटरनेट के ऊपर। अब यहाँ पे एमटीए सर्वर है जो इस मेल को रिसीव करेगा, उसको वो डेजिग्नेटेड बॉक्सेस के अंदर डालेगा, और मैसेज एक्सेस एजेंट, मैसेज एक्सेस एजेंट होता है जो मैसेज को फैच करता है बॉक्सेस में से। सो मैसेज एक्सेस एजेंट का सर्वर बॉक्सेस में से ईमेल को फैच करेगा, देन इसको वो क्लाइंट के पास भेज देगा, और क्लाइंट से फर्दर वो एक यूज़र एजेंट के पास जाएगी ताकि यूज़र उसको इजीली रीड कर सके, पढ़ सके। तो ये पूरा प्रोसेस है जब आप ईमेल को देखते हो, ईमेल आपकी ट्रांसमिट होती है। तो अब इसमें दो हमारे पास बेसिक टेक्निक्स होती हैं, एक होती है पुश और एक होती है पुल। जब मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट का क्लाइंट सर्वर को मैसेज भेज रहा है, तो ये वाला जो स्टेप है ये कहलाता है पुश, और मैं लिख सकता हूँ क्लाइंट पुशेस द मैसेज टू सर्वर। यहाँ पे क्लाइंट मैसेज को पुश कर रहा है सर्वर के पास, ठीक है। सो ये जो चीज है एमटीए क्लाइंट टू एमटीए सर्वर, दिस इज पुश। और जब आपका एमएमए क्लाइंट और एक एमएमए सर्वर के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो वो कहलाता है पुल। सो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज पुल, और हम इसमें लिख सकते हैं क्लाइंट, दिस क्लाइंट पुल्स द मैसेज फ्रॉम सर्वर, यानी ये वाली चीज। सो क्लाइंट पुल्स द मैसेजेस, ठीक है। सो दो दो टर्म्स हैं, एक तो है पुश जब क्लाइंट सर्वर के ऊपर मैसेज को पुश करता है, और एक होता है पुल जब एक क्लाइंट मैसेज को पुल करता है सर्वर से। तो ये दो डिफरेंट टाइप के टर्म्स हैं, पुश और पुल। अब हमारे पास यूज़र एजेंट है, जो यूज़र एजेंट भी डिफरेंट टाइप्स के यूज़र एजेंट होते हैं। सो जैसे कि यूज़र एजेंट के दो डिफरेंट टाइप्स हैं बेसिकली, एक तो होता है कमांड ड्रिवन, या सिंपल हम कह सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जो काम होता है तो उनको हम बोलते हैं कमांड ड्रिवन। और इसके एग्जांपल हैं जैसे आप कमांड्स यूज़ करते हो मेल, पाइन, इन सब कमांड्स को यूज़ करके आप मेल्स को पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो। और दूसरे होते हैं जीयूआई बेस्ड, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड, और जैसे इनके एग्जांपल्स हैं आउटलुक, नेटस्केप। तो ये एक सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफॉर्म बना के देते हैं जिसकी मदद से यूज़र ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। सो यूज़र एजेंट दो टाइप्स के हो गए, कमांड ड्रिवन एंड जीयूआई बेस्ड, और ये पूरा आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर हो गया ईमेल का। अब हम देखते हैं कि ईमेल की सेंडिंग और रिसीविंग में कौन कौन से एंटिटीज़ हैं, कौन कौन से हम चीज़ें ईमेल को सेंड करते वक्त डालते हैं, क्या ऐड करते हैं, वो सब देखते हैं। सो नाउ द टॉपिक इज सेंडिंग ईमेल एंड रिसीविंग मेल। नाउ टू सेंड अ मेल द यूज़र थ्रू द यूज़र एजेंट क्रिएट अ मेल दैट लुक्स वेरी मच सिमिलर टू द पोस्टल मेल। तो जैसे हम पहले पोस्ट मेल करते थे, पोस्ट करते थे, बिल्कुल उसी तरह से एक ईमेल का भी फॉर्मेट लगता है। तो हर ईमेल का एक एनवलप होता है और एक मैसेज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब सेंड करते हैं ईमेल तो उसका एक ईमेल का फॉर्मेट कैसे होता है। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है एक ईमेल के अंदर वो होता है एड्रेसेस। सो यहाँ पर हम लिखते हैं मेल फ्रॉम, कि मेल कौन कर रहा है, और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी होगा, फॉर एग्जांपल abc@xyz.com। तो ये सेंडर का ईमेल एड्रेस हो गया। उसके बाद होता है रिसिपिएंट टू, किसको हम मेल भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल efg@xyz.com। तो ये जो चीज़ कहला होती है सबसे ऊपर, ये होता है एनवलप। क्योंकि एनवलप में क्या होता है, जब भी आप किसी एक पोस्ट एड्रेस का भी देखते हो, एनवलप के अंदर होते हैं एड्रेस, कि
किसको भेज रहे हो और कहाँ से है, तो ये चीज़ है एनवलप। देन इसके बाद है हमारे पास हेडर, इसके बाद होता है हेडर। अभी तक हमने सिर्फ ईमेल एड्रेस ऐड किए, अब यहाँ पे होते हैं एक्चुअल नेम, फ्रॉम फॉर एग्जांपल एबीसी कॉरपोरेशन, ये इस ईमेल एड्रेस का कॉरस्पॉन्डिंग नेम है, सॉरी। देन टू में इसका नाम, फॉर एग्जांपल ईएफजी कॉरपोरेशन, ये इस वाले ईमेल एड्रेस का कॉरस्पॉन्डिंग नेम है। उसके बाद यहाँ पे होती है डेट, आप कब ईमेल भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल 15/06/2017, तो ये ईमेल भेजने की डेट है। और उसके बाद होता है इसमें सब्जेक्ट, जो ईमेल का टाइटल होता है, फॉर एग्जांपल न्यू प्रपोजल, तो ये हेडर हो गया, ये एनवेलप हो गया। इसके बाद होता है ये एक्चुअल बॉडी, बॉडी मींस एक्चुअल डाटा और कंटेंट, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे डियर ईएफजी कॉरपोरेशन और कुछ भी मैसेज आप यहाँ पे टाइप करोगे, तो ये जो मैसेज होता है ये कहलाती है बॉडी। बट ये बॉडी और हेडर दोनों को अगर आप मिला देते हो तो वो कहलाता है फिर मैसेज, ठीक है। तो चार एंटिटीज इसमें हमने देखी, एनवलप, एनवलप क्या है, सिर्फ एड्रेसेस, सो इट कंटेन्स द सेंडर एंड रिसीवर एड्रेस, सो एनवलप कंटेन्स सेंडर एंड रिसीवर एड्रेस। जैसे हमने यहां पे देखा ये सेंडर और रिसीवर का एड्रेस है एनवेलप के अंदर। उसके बाद होता है हमारे पास हेडर, तो बेसिकली जो मैसेज है वो हेडर और बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। नाउ हेडर डिफाइंस सेंडर रिसीवर डेट सब्जेक्ट एंड बॉडी ऑफ द मैसेज कंटेन्स द एक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो ये एक स्टैंडर्ड ईमेल के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, और इसी को यूज करके एक ईमेल को सेंड किया जाता है। नाउ लेट्स सी हाउ टू रिसीव अ ईमेल। तो देखो क्या होता है कि यूज़र एजेंट इज ट्रिगर्ड बाय द यूज़र और अ टाइमर। इफ़ अ यूज़र हैज़ ए मेल द यूज़र एजेंट इन्फॉर्म्स द यूज़र विद ए नोटिस। अगर आपके पास कोई मेल आई है तो यूज़र एजेंट उस यूज़र को इन्फॉर्म कर देते हैं, और अगर यूज़र उस मेल को पढ़ना चाहता है तो वो उसको पुल कर लेगा और उस मैसेज को या मेल को रीड कर लेगा। अगर वो उसको नहीं पढ़ना चाहता अभी तो वो मैसेज अभी अनरीड फॉर्म में रहेगा। सो दिस इज सिंपल रिसीविंग मेल। सो मैं इसकी यहाँ पे थ्योरी लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। तो ये इसकी बेसिक थ्योरी है, द यूज़र एजेंट इज ट्रिगर्ड बाय द यूज़र और टाइमर। इफ़ यूज़र हैज़ ए मेल द यूज़र एजेंट इन्फॉर्म्स द यूज़र विद ए नोटिस, देन द लिस्ट विद मैसेज सब्जेक्ट एंड समरीज देन डिस्प्लेड टू द यूज़र, और फिर यूज़र उस लिस्ट में से कोई भी मेल को सिलेक्ट करके रीड कर सकते हैं। So this is the basic idea about the email system, and in the next video we will see message transfer agent, that is SMTP, simple mail transfer protocol. So thank you for watching the video, please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.